नमस्कार, मैं हूं अदिति और स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड बस में। हाल ही में बाबू मोशाई, सेक्रेट गेम्स और मंटो तो आपने जरूर देखी होगी। हाँ, नवाजुद्दीन के अलग अंदाज के एक्टिंग का बेजोड़ नमूना। लेकिन कल यानी बुधवार को नवाज की एक और फिल्म का ट्रेलर आया और आते ही सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाकरे मूवी की, जो बाल ठाकरे पर आधारित है। आप इन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से जानते होंगे और ट्रेलर में साफ तौर पर लिखा है कि आ ट्रू स्टोरी, यानी कि ये एक बायोपिक फिल्म है, जहां बाल ठाकरे के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए हैं। क्या एंट्री है नवाज का, देख के बस सब दंग रह जाएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी अपकमिंग फिल्म ठाकरे से धमाका करने को बिल्कुल तैयार है। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म ठाकरे में नवाजुद्दीन शिवसेना के फाउंडर बाल ठाकरे के रोल में नजर आए हैं। फिल्म के ट्रेलर में आपको नवाजुद्दीन का लुक तो काफी पसंद आया होगा। उनका लुक देख आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नवाजुद्दीन है या खुद बाल ठाकरे। संजय राउत ने प्रोड्यूस किया है। दूसरी ओर एक और बात है, बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जो कि एमएनएस के फाउंडर है, उन्हें कुछ ही दिन पहले तनुश्री दत्ता ने #MeToo कैंपेन के घेरे में लिया था, जो काफी सुर्खियों में थी। इस फिल्म को अभिजीत फांस ने डायरेक्ट किया है, इस फिल्म को संजय राउत प्रोड्यूस किया है और शिवसेना नेता संजय राउत बाल ठाकरे की जिंदगी पर लंबे समय से फिल्म बनाना चाहते थे। उद्धव ठाकरे की परमिशन मिलने के बाद उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। फिल्म में बाल ठाकरे की जिंदगी से जुड़ी अहम पहलुओं को दिखाया जाएगा। लेकिन उतनी आसानी से ये मूवी पर्दे पर नहीं आ पाई है। बहुत ही लड़ाई कर इस मूवी को तैयार किया गया है। सेंसर बोर्ड ने भी इस मूवी पर ऑब्जेक्ट किया है। इस मूवी की 3 मेजर सीन्स को हटाया गया है। लेकिन आखिर मूवी की ट्रेलर को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। और साथ ही में एक और बात बता दूं, ये मूवी 3 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, मराठी, हिंदी और तमिल। इसी बीच एक और बात हुई, तमिल ट्रेलर को लेके साउथ के कुछ सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर इस मूवी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिसमें साउथ के फेमस एक्टर सिद्धार्थ भी शामिल है, जिसे रंग दे बसंती में काफी पसंद किया गया था। उनका कहना है इस फिल्म में साउथ इंडियन लोगों को कैसे महाराष्ट्र में तब के समय में अंडर एस्टिमेट किया जाता था, वो ट्रेलर में नवाजुद्दीन के इलेक्शन स्पीच में साफ पता लग रहा है। तो उम्मीद है कि फिल्म में बाला साहब के हर रूप को दिखाया जाएगा। किरदार जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं, तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि दर्शक स्क्रीन पर ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे को ही देख पाएंगे। अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ठाकरे की ट्रेलर कैसी लगी। और हाँ, कल सिम्बा फिल्म रिलीज हो रही है, तो कल एक बार फिर मैं मिलूंगी मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए कहती हूँ टाटा बाय बाय, और जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।